राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी पूर्व विधायक रंजना साहू का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस जांच का बहाना करके समय काट रही है। राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता, उनको लेकर बीजेपी की पूर्व विधायक रंजना साहू का बयान, नारी का सम्मान कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस इस मामले की लीपापोती कर रही है। तो राधिका खेड़ा मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक रंजना साहू का एक बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस जांच का दिखावा कर लीपापोती क्यों कर रही है? जिस पीड़ित पक्ष ने बयान दिया है वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और जिस प्रकार वो रो रो कर अपनी व्यथा कह रही है, वो सोशल मीडिया पर लिख रही है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा जी रायपुर में उपस्थित रहे। वह चाहते तो इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर, मामले की जानकारी लेकर इसका पटाक्षेप कर सकते थे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिला सकते थे, राधिका खेड़ा जी को न्याय मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही नहीं चाहती कि महिलाओं को न्याय मिले, हमेशा यही चाहती रही कि महिलाओं के साथ अन्याय हो। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब राधिका खेड़ा जैसी महिला को न्याय नहीं मिला, और यदि उनको कांग्रेस न्याय दिलाती तो कहीं न कहीं अर्चना गौतम जी को भी न्याय दिलाना पड़ता, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के सचिव ने अर्चना गौतम के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग जिस गांधी परिवार की लगातार पूजा करते आ रहे हैं, उनमें से तीन मुखिया में से दो महिलाएं हैं, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनको न्याय नहीं दिलाया, यह कांग्रेस का चरित्र है।